दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज बने सूर्य कुमार यादव ने रोते हुए रोहित और कार्तिक को भगवान का दर्जा देते हुए कह डाली ऐसी करोड़ों दिलों को छू लेने वाली बात कि सुनने के बाद बेचारे रोहित और कार्तिक के भी आंसू नहीं रुक पाए। आखिरकार महान सूर्य कुमार यादव का पूरा बयान तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है एक अच्छा बल्लेबाज। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव किसी भी पहचान के अब मोहताज नहीं है, क्योंकि यहां पर सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम सभी को बल्लेबाजी में कर कर दिखाया वो शायद कोई अन्य खिलाड़ी ना कर पाया। और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि तीसरे T20 मुकाबले में जहां भारतीय टीम को 49 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं सूर्य कुमार यादव तो फिर भी छा गए, क्योंकि यहां तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 227 रन बनाए और भारत की टीम अपने 10 विकेट गंवाकर 178 रन ही बना सकी और इसी के साथ 2-1 से भारत के नाम ये श्रृंखला हुई। हालांकि हम आपको बता दें कि भारतीय टीम अगर T20 सीरीज जीती है तो वो बस मात्र सूर्य कुमार यादव की बदौलत, क्योंकि पहले मुकाबले में सूर्य के बल्ले से अर्धशतक मिला, तो वहीं दूसरे T20 मुकाबले में भी वही प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा। हालांकि तीसरे T20 मैच में वो एक खराब शॉट खेलने के चक्कर में जरूर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इसके बावजूद भी प्लेयर ऑफ द सीरीज तो हमारा सूर्य ही था। और ऐसे में दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव को पहली बार किसी T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया और ऐसे में सूर्य कुमार यादव काफी ज्यादा भावुक इस दौरान हो गए, जहां उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलने की खुशी तो नहीं मनाई, लेकिन उन्होंने एक खिलाड़ी को ऐसा श्रेय देते हुए लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगह को 10 गुना और बढ़ा लिया। दरअसल यहां पर सूर्य कुमार यादव जब 2.5 लाख रुपए का चेक लेकर वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं तो कहते हैं, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है, मैं अंदर ही अंदर ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आखिरकार टीम इंडिया के लिए मैंने ऐसा क्या किया है, क्योंकि मैंने टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत किया और इस मेहनत में मेरा सबसे ज्यादा साथ किसी ने दिया है तो वो बस हमारी टीम के कप्तान रोहित भाई हैं। जब मुंबई इंडियंस की टीम में मैं होता था तो उस दौरान वही एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि मेरे पास आकर मुझे समझाते थे और कहते थे कि मेरा जिस दिन टीम इंडिया में नाम आएगा उस दिन के बाद से मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, और शायद ये सच होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फिर आगे सूर्य कुमार यादव बात करते हुए कहते हैं कि ये सीरीज मेरे लिए यादगार थी और इस सीरीज में अगर मैं रन बना पाया हूँ तो रोहित और दिनेश कार्तिक भाई की बदौलत, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मेरी बल्लेबाजी में मुझे सुधार के लिए आगे प्रोत्साहित किया है और मैंने जब जब गलतियां की हैं इन दोनों ने ही मुझे आकर संभाला है और बताया है कि आखिरकार मैं कहां गलती पर आउट हुआ, क्या मेरी कमी रही, वो सब मुझे इन दोनों ने बताया है। और मैं वाकई में खुश नसीब हूं कि एक टीम में ऐसे दो सीनियर खिलाड़ी मुझे मिले हैं जो कि हमेशा ही मेरे साथ तत्पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल एक झटके में जीत लिया जब उन्होंने रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक को अपनी शानदार बल्लेबाजी का श्रेय दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक कितने महान खिलाड़ी हैं। और ऐसे में इन खिलाड़ियों के बारे में ऐसी पॉजिटिव बातें सुनने के बाद तो सही में एक आनंद की अनुभूति होती है। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है सूर्य कुमार यादव द्वारा दिए गए इस शानदार बयान के बारे में, और आपके अनुसार क्या सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल सच बोला या फिर गलत, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।